questions you have. After the webinar, jisko bhi, we will definitely have one-to-one meetings with all the participants who are looking to invest and start their investing journey with us in the future. So har ek ke saath one-to-one meeting. So ek last sawal sabke liye, comfortable with English ya English Hindi, both? What is the comfort? So English Hindi baat karu, are you comfortable with that? Just say yes or no, English Hindi. Great, Pranav, thank you so much. So without any further listing, let me start with the presentation. My name is Gautam, for those of you who joined later. I am the co-founder of Money Matters Asset Management House. And we are specialized in creating equity investment solutions. Hum stock market typically focused on the Indian stock market. We are completely invested in the Indian stock market. Whatever we do is to create solutions for clients like you who want to start their investing journey stock market mein. Humne bahut baar jabhi bhi is topic pe baat ki hai, to today's topic is this, are you investing? Ye aapke liye sawal hai, are you investing the right way in the stock market? Main jab bhi stock market ki baatein karta hun, har saal mein ek data ya ek point samne aa jata hai किसी एक्सपर्ट का या कई न्यूज में कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 95% ऑफ द पीपल फेल देयर स्टॉक मार्केट जर्नी, दे आर नॉट एबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट. ग्रेट. एंड ओनली 5%, सिर्फ 5% लोग ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं. और ये टिपिकली तभी होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं. अगर आप अभी देख मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल आर प्रोबेबली लूजिंग मनी, और दे आर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में लोगों के मन में कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम इस सिचुएशन को डील करें, व्हाट डू आई डू, व्हाट शुड बी माय मेथड इस सिचुएशन में, या मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करें. हम पिछले 15 साल से लोगों से बातें कर रहे हैं, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज व्हाट वी आर एबल टू, मतलब जितने भी लोगों से बातें हो रही है ये सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं. टिपिकली यही सब सवाल शायद आपके मन में भी होंगे, भैया इन्वेस्ट मतलब कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कब स्टॉक में एंटर करें, कौन से स्टॉक में अभी एंटर करना अच्छा है, कौन से स्टॉक में जिस स्टॉक में है हमको वहां से कब एग्जिट करना चाहिए. या बहुत लोग स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो एक नेचुरल, देखो एज ह्यूमन बीइंग्स ना सबके मन में एक इमोशंस आना बहुत बहुत नेचुरल है. पीपल आर, मैंने दो टाइप के लोग देखे, या तो डर के मारे, डर की वजह से पीपल डोंट इन्वेस्ट, बिकॉज ऑफ फियर पीपल स्टे अप, नहीं भैया ये जो भी चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट. मैं जो भी अपना FD वगैरह मैं कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं वहीं पर रहता हूं, बट FDs आर ऑल्सो नॉट गिविंग दैट ग्रेट रिटर्न्स. सो पीपल आर लाइक, नहीं यार स्टॉक मार्केट में मुझे कुछ करना चाहिए. सो एक अनसर्टेनिटी, एक फियर है. या ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं बहुत बार की इतना लालच होता है सबके मन में कि अरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो अगर पैसे 6 महीने में डबल होने वाले हैं तो ही कोई स्कीम बताओ या कुछ टिप दो. सो दिस इज सो, मतलब इतने सारे कंफ्यूजन है लोगों के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए. बट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बहुत बहुत सिंपल है. इफ अगर आपके पास कोई सिस्टम है, अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हो और उसको एक प्रोसेस बना सकते हो, और अगर आप उसको देखिए मेन प्रॉब्लम अगर आप इन सारे सवालों में देखेंगे ना, दो मेन चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी. पहला, डिसीजन लेने का प्रॉब्लम, कैसे डिसीजन ले, जैसे जो सवाल ऊपर दिख रहे हैं, वेयर टू इन्वेस्ट डिसीजन का प्रॉब्लम, व्हेन टू इन्वेस्ट डिसीजन का प्रॉब्लम, व्हेन टू एग्जिट कब निकलना चाहिए डिसीजन लेने का प्रॉब्लम. और जो नीचे है, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सारे इमोशंस हैं. मेजरली इन सब चीजों की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक और दे आर नॉट एबल टू क्रिएट मनी फ्रॉम द स्टॉक. नाउ लेट अस लुक एट दिस चार्ट ऑल्सो. ये क्या है, दिस इज द जर्नी ऑफ सेंसेक्स. थोड़ा पुराना चार्ट है पर मैंने एक जर्नी को कैप्चर किया है जब मार्केट 1990 में मोटा मोटी 1000 पॉइंट पे था, आज
2021 के आसपास 50,000 को क्रॉस कर चुका है, 22 में इट्स क्रॉस 50,000. पर बहुत लोग इसमें ये देखते हैं दैट, बहुत लोग इसमें देखते हैं हर्षद मेहता स्कैम, बहुत लोग इसमें देखते हैं सत्यम स्कैम, या अभी आया हुआ कोविड, या कुछ हुआ वॉर, उसके वजह से मार्केट में जो नेगेटिविटी आई, पीपल वो उसी चीज पे फोकस करते. पर इन सब के बावजूद, इन सब नेगेटिविटी, इन सब नेगेटिव न्यूज के बावजूद, द फैक्ट इज, जो सत्य है वो ये है कि मार्केट 1990 में 1000 पॉइंट पे था, जो आज 50,000 पॉइंट क्रॉस कर चुका है. अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है आप में से, जिन्होंने थोड़ा सेंसेक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो सेंसेक्स कंसिस्ट्स ऑफ 30 कंपनीज, इसमें 30 कंपनियां होती. अब जो 1990 में 30 कंपनीज थी, वो आज 2021 में 30 कंपनीज नहीं है. क्यों? वो कंपनी उस समय अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, तो इट बिकेम अ पार्ट, और परफॉर्म कर रही थी, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स. जब किसी फॉल में कोई कंपनी का प्रोग्रेस खत्म हो जाता है, कंपनी खत्म हो जाती है या खत्म होने वाली होती है, वो सेंसेक्स उसको निकाल देता है और वो उन्हीं कंपनीज को ऐड करता है जो प्रोग्रेस करने वाली है या जिनमें आगे फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है. इसके वजह से तो अगर ये पॉइंट को हम समझे सही तरह से, इसी पॉइंट पे हमने पिछले 15 साल से रिसर्च किया और हमने पाया कि अगर हम कोई भी कंपनी के साथ इमोशनली अटैच नहीं रहे, बहुत इन्वेस्टर्स आर वेरी इमोशनली अटैच विद सम एक्स वाई जेड कंपनी, कोई भी वो नाम कि यार ये कंपनी मेरे पास होनी चाहिए. हमारा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, डोंट गेट इमोशनली अटैच विद एनी कंपनी, कोई जरूरत नहीं है. You are only supposed to be attached with the company जो आपके पोर्टफोलियो को आपको ग्रोथ देने वाली हो. सो इन दोनों चीज के ऊपर वी हैव क्रिएटेड आवर ओन सोल्यूशन एंड वी कॉल दैट फोकस 20. फोकस 20 इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड द मोस्ट latest system that we have created for all the investors, which is jo bahut system based hai aur uske fixed process ya parameters jiske wajah se aap paisa kama sakte. Now ye focus 20 jo system hai, main uske bare mein aap log ko batana chahta hu. So it is based on three main pillars pe ye based hai. Pehla dekhiye, do major challenges the हमको जब हम पहले देख रहे थे, डिसीजन कब ले और इमोशंस, क्योंकि ये सिस्टम है इट्स गॉट नो इमोशंस. तो हमने क्या क्रिएट किया, हमने हमारा एक एल्गोरिथम क्रिएट किया है. हमारे 15 से 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद वी हैव क्रिएटेड आवर ओन एल्गोरिथम, जो करता क्या है, जो मार्केट में जब आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो मार्केट को स्कैन करके हमको ये बताता है कि ये कंपनियों में आज आपको आपके पैसे लगाने जरूरी. तो उनमें से हम, बिकॉज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड फोकस 20, वी इन्वेस्ट योर मनी, हम आपके पैसे 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं विद इक्वल एलोकेशन. मतलब ऐसा नहीं कि एक कंपनी में 10% डाला, दूसरे में 3%, चौथे में 5, हर एक कंपनी में 5% जाए. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो हर कंपनी में 25,000 रुपए इन्वेस्ट. नाउ दैट इज टोल्ड बाय एल्गोरिथम, प्रोसेस फॉलो हो गया, कोई भी इमोशन नहीं यहाँ पे, इस चीज की गुंजाइश नहीं कि आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, आपको लगता है अरे ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, नथिंग डूइंग. सिस्टम बताएगा, जो बताएगा वी विल बाय, जो भी होगा बाय, आप क्या करोगे. अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, आपके सिस्टम ने हमको बाय तो कर दिया. बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय कर ली, पर उसके बाद पोर्टफोलियो पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए भी हमने सिस्टम बनाया है, उसके लिए भी हमने प्रोसेस बनाया है. अगेन इसमें कोई इमोशंस की गुंजाइश नहीं है कि मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक को रहना चाहिए, मुझे लगता है ये स्टॉक को नहीं, कोई गुंजाइश नहीं. देयर इज नो विंडो फॉर एनी इमोशंस फॉर फोकस्ड वेट. सिस्टम ऐसा बनाया है कि कॉन्स्टेंटली जो भी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है उसको मॉनिटर करता रहेगा,
और उसको दिखता रहेगा कि भाई वो सही जा रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे, वो भी हमको सिस्टम बताए, हम कुछ नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पिलर वी वर एबल टू जनरेट 45% इन आवर पोर्टफोलियो फॉर आवर क्लाइंट्स। आगे मैं वो भी आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं, मैं जो भी आपसे शेयर करूंगा लाइव आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर विच आई कंसिडर माई मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ फोकस्ड ट्रेडिंग। बहुत लोग कब स्टेप स्टॉक को या कौन, देखो कोई भी आपको ये बोल देगा, आप किसी को भी पूछोगे कौन सा स्टॉक खरीदना है, बहुत लोग को इंटरेस्ट होगा आपको ये बताने के लिए कि ये स्टॉक खरीद। स्टॉक रिकमेंडेशंस तो बहुत मिल जाएंगे आपको, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू नो एंड टू टेक दैट डिसीजन टू एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टॉक। एग्जिट व्हेन यू आर इन लॉस और एग्जिट व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट। कहां पे एग्जिट करना है वो हमको पता होगा। ठीक, हम किसी भी स्टॉक को टारगेट डिफाइन नहीं करते, तो हम एग्जिट कब करते? हमने उसके लिए भी एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाया है जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस या टारगेट सुना होगा, मतलब जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो ये बोलता है कि भैया अगर तुम 1,000 रुपए के स्टॉक को इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझ लो 1,200 होता है तो निकल जाओ, दैट्स योर टारगेट। और अगर बाय चांस गलती से अगर वो स्टॉक 900 या 850 हो जाता है, आप एग्जिट कर लो, दैट बिकम्स योर स्टॉप लॉस। बट व्हाट इज दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म? आवर सिस्टम हैज दिस ग्रेट फीचर, जहां पे अगर इमेजिन करिए, अगर आप, हमने आपका कोई 1,000 रुपए का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में लिया है, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपके पोर्टफोलियो में होगा, नथिंग, आपको कोई भी पैसा मनी मैटर्स को नहीं देना है। वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम व्हिच इज मेंट फॉर ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आपके पोर्टफोलियो में हमने जो स्टॉक खरीदा उस स्टॉक के साथ हमारा सिस्टम भी अटैच रहेगा, और वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करता रहेगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, समझो हम 1,000 रुपए में खड़े हैं वो स्टॉक में, हम 950 या 960 के आसपास उसका स्टॉप लॉस रख दी। अगर कंपनी, अगर वो शेयर ऊपर जाता है, प्रोग्रेसिंग शेयर है तो ऊपर जाता है, तो अगर वो शेयर 1,100 हो जाता है, देन दिस स्टॉप लॉस आल्सो इज चेंज्ड फ्रॉम 950 टू प्रोबेबली 1,050, 1,060। वो शेयर अगर ऊपर जाता है और इट गोज टू 30, इट गोज टू 2,000, और सॉरी आई मीन 1,500, तो अगेन द स्टॉप लॉस इज चेंज्ड फ्रॉम 1,050 टू प्रोबेबली 1,250, 1,260। होता क्या है कि ये इसको शैडो करता रहता है, तो आगे जाके अगर इस स्टॉक समझो 1,700 पे जाके हमारा स्टॉप लॉस 1,650 पे खड़ा है, अगर उस लेवल पे स्टॉक नीचे आने लगे तो 1,650 पे वो एग्जिट कर देगा, नो इमोशंस अटैच्ड, एंड वी वुड हैव स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ नियरली 650 पर शेयर अगर मैं 1,650 पे एग्जिट करता हूं तो उस स्टॉक पे। सो इस तरीके से हम इस मैकेनिज्म से व्हाट वी आर एबल टू डू इज कि उसके वजह से जो खराब कंपनियां हैं या जो कंपनी ने हमको दे दिया ना ग्रोथ, उसका ग्रोथ खत्म हो गया, वो निकल गया पोर्टफोलियो से, सिस्टम अगेन स्कैन्स, अगेन अ न्यू विनर इज एडेड टू योर। इस तरीके से फोकस 20 रन हो। दिस इज जस्ट अ समरी, एक समरी है जो मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट में कि भाई ये सिस्टम चलता कैसे। आगे चलते, अभी नाउ ये आपके, आपका भी ये पोर्टफोलियो हो सकता है। वी आर दी ऑथोराइज पार्टनर्स ऑफ एडलवाइज, दे आर एक्चुअली प्लैटिनम पार्टनर्स ऑफ एडलवाइज, दैट्स माय पार्टनर अमोल ओवर देयर। और ये सब आपको अगर करना है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको हमारे साथ पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एडलवाइज। हमने हमारा पूरा सिस्टम एडलवाइज के साथ लिंक किया है, तो इसकी वजह से हमको ये बहुत मल्टीपल क्लाइंट्स में करने को बहुत आसानी होगी। आपको भी दिखता रहेगा आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक लिया। अब मुझे पता है कि इसके पहले जो भी आपको बताया वो थ्योरी थी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपसे लाइव पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स शेयर करूं। सो हमने क्या किया, बहुत लोग हमको पूछा करते थे कि आपके पोर्टफोलियो का क्या, हाउ इज योर पोर्टफोलियो परफॉर्मिंग, क्या चल रहा है आपके पोर्टफोलियो।
दो साल पहले जब दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, हमने हमारे एक सैंपल या एक शोकेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया। ये लाइव अकाउंट है हमारे फैमिली मेंबर का, जहां पे हमने 3 लाख रुपए से इसको चालू किया। दिस वॉज स्टार्टेड ऑन 16th of November 2020। मैं आपको लेट मी शो यू सम ग्रेट रिजल्ट ऑफ सिस्टम बेस्ड पोर्टफोलियो। अब जो प्रॉफिट मैंने आपको तब बताया 45%, ओवर एंड अबव दैट डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये आपके अकाउंट में अलग से आता। सो दिस वॉज द रिजल्ट इन लेस देन 2 years, 21 कंपनीज हैव गिवन डिविडेंड्स टू आवर कस्टमर्स। दिस इज एक्चुअल रिजल्ट, आप नाम देख सकते हैं। मैंने ये लाइव रिजल्ट है। हम जब 1-to-1 मीटिंग करेंगे, ये सारे आपको रिपोर्ट्स में दिखा सकता हूँ। हमने यहाँ पे जो भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है पिछले 17-18 महीनों में, उसका रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। एलेम्बिक फार्मा, ब्लू स्टार, एल्केम, सेरा, हिंदुस्तान लीवर, अरे कुछ कंपनीज ने तो 2-2 बार डिविडेंड दिया है हमारे इन्वेस्टर्स। और जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमको फायदा ये रहा, या हम जब बता दें कि कोई भी स्टॉक में हम टारगेट डिफाइन नहीं करते। Why we are not defining a target? कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा ना, तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है। एंड द रिजल्ट इज कि बहुत, मतलब कुछ क्लाइंट तो हमें बोलते हैं, पहली बार हमने हमारे पोर्टफोलियो में, दिस इज वॉट द रिजल्ट दे हैव सीन, वी वर एबल टू जनरेट 4 मल्टीबैगर्स। अब मल्टीबैगर समझिए क्या होता है, बहुत आर्टिकल्स आते हैं इसके ऊपर, बहुत लोग बोलते हैं, पर एक्चुअली बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस कर। एंड हमारे क्लाइंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया है, 4 such multi-baggers अभी तक हुए हैं हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो। गुलशन पॉलियल्स लिमिटेड 101% मल्टीबैगर। ऐसा स्टॉक, ऐसा होता है जो आपको 100% से ज्यादा रिटर्न देता है 1 साल के अंदर। तो ये सारा रिजल्ट 1 साल के अंदर वाले स्टॉक्स का है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वी वर एबल टू जनरेट 145% रिटर्न फॉर आवर क्लाइंट्स। 145%, कुड यू बिलीव दैट? दिस इज एक्चुअली हैपेंड एंड वी कैन शेयर द एक्चुअल डेटा विद यू इन अ 1-to-1 मीटिंग इफ यू वांट टू सी दैट। ये तो हो गई, चलो पुरानी बातें, तो नई बातें करते हैं। इन दिस वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, फेब्रुआरी से देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक की वॉर हो रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। देयर इज सो मच वॉलेटिलिटी, बट दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। दिस स्टॉक HBL पावर सिस्टम्स हैज जनरेटेड मोर देन 14% फॉर आवर क्लाइंट्स इन अ मैटर ऑफ अ मंथ। एक महीने के अंदर अंदर क्लाइंट के पोर्टफोलियो ने ये रिजल्ट देखा। हम अभी तक इस स्टॉक से एग्जिट नहीं हुए हैं कुछ कुछ पोर्टफोलियोज में। क्यों होना है एग्जिट? अगर क्लाइंट कमा रहा है, वाई डू वी हैव टू एग्जिट? अगर कंपनी सच में परफॉर्मिंग है, प्रॉमिसिंग है, तो वी विल स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी, वी विल नॉट एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। वन अनदर गुड न्यूज, सेकेंड कंपनी BLS इंट्रानेट, दैट कंपनी एक ही दिन में इट वेंट अप बाय 8%, एंड दिस इज वॉट इट इज। और उसी दिन कंपनी का न्यूज आया, हमने इस स्टॉक को, इस न्यूज आने के पहले शायद 1 हफ्ते या 10 दिन पहले हमारे सब क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था। दैट इज द ब्यूटी। एंड उसके बाद ये न्यूज आया कि ये कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, जिनसे उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। अगर मेरे सिस्टम ने इसको पहले कैप्चर किया, मतलब वी हैड सम पैरामीटर जिसके वजह से हमको ये कंपनी आइडेंटिफाई हुई एंड वी वर एबल टू गेट दिस इन द क्लाइंट। ये सारा बाद में, न्यूज वगैरह सब बाद में आती। बहुत बार ऐसे होगा कि आपका भी जब पोर्टफोलियो बनेगा, जब अच्छी कंपनियां होंगी, तो बाद में उन कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको न्यूज में दिखे। सो 1 साल के बाद जो 3 लाख का पोर्टफोलियो था, उसका ये रिजल्ट था 4,28,000 एग्जैक्टली 1 साल, मतलब पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग के समय। अभी तक इन दिस वॉलेटिलिटी ऑल्सो हम पोर्टफोलियो प्लस में है, और ये फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग अभी 45% प्रॉफिट बना चुके हैं इस पोर्टफोलियो।
दिस इज द करंट पोर्टफोलियो दैट वी आर हैविंग नाउ. और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज अ टिप, प्लीज डोंट यूज दिस. आपने शायद इनमें से बहुत सारे नाम सुने नहीं होंगे. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू टेक दिस एज अ टिप, दिस इज वेरी स्पेशलाइज वर्क. हम आज इन पोर्टफोलियो में है, शायद हम इन स्टॉक्स से अगले हफ्ते भी एग्जिट हो सकते हैं अगर आपको सिस्टम ने बताया. सो डोंट टेक दिस एज अ टिप. मैं आपसे कोई भी बात छुपाना या कोई रखना नहीं चाहता हूं. अगर आप देखोगे मैंने लेफ्ट साइड में पॉजिटिव कंपनीज भी दिखाई है, पर राइट साइड में आपको नेगेटिव, ये आपके पोर्टफोलियो में भी होगा. पर आपको डरने की जरूरत नहीं है. आप अगर हमारा मतलब इन फोकस 20 द ग्रेट पॉजिटिव थिंग इज कि जो भी होगा यू विल ऑलवेज हैव गुड कंपनीज दैट आर दैट यू विल बी इन्वेस्टेड इन. कोई भी खराब कंपनी में आपके पैसे नहीं इन्वेस्ट होंगे. ओनली कंपनी जिनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ है और आगे जाके जिनमें जो कोई प्रॉमिसिंग है उन्हीं में इन्वेस्ट होंगे. चलो ठीक है, अगर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है सिस्टम है हम एग्जिट हो जाएंगे, पर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में पैसा ही बनाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोकस 20. बहुत लोग मुझे पूछते हैं तो इतना अगर अच्छा है तो व्हाट क्या अमाउंट से मुझे शुरुआत करनी चाहिए. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आइडियली आपको 5 लाख से अगर आप शुरुआत करेंगे इट इज अ फैंटास्टिक अमाउंट. क्योंकि देखिए मुझे 20 कंपनियों में आपके पैसे डालने हैं तो कम से कम 25,000 तो मैं हर एक कंपनी में आपके पैसे लगाऊं. तो उस हिसाब से 25,000 अगर मुझे मिलता है हर कंपनी में डालने के लिए तो मुझे 5 लाख का कैपिटल लगेगा. तो इट विल बी आइडियल फॉर यू टू स्टार्ट विद. देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग डेटा विच आई वांट टू शेयर. कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बना के दे सकती है. अगर आप फोकस 20 के साथ 20 साल पहले जुड़ते, चलो 20 साल कोई भी स्ट्रैटेजी जब बनती है तो हम उसको बैक टेस्ट करते कि भाई ये मार्केट के खराब अच्छे दोनों सिचुएशन में कैसा रिजल्ट है. अगर 10 लाख किसी ने इन्वेस्ट किए होते 2000 में तो वुड यू बिलीव इन दिस वोलेटिलिटी इन दिस बैड मार्केट सिचुएशन उस बंदे का पोर्टफोलियो होता 20 करोड़. एग्जैक्ट अमाउंट है 20 करोड़ 25 लाख 5,435 रुपया. ये भी आपको अगर देखना है तो हम जब 1-to-1 मीटिंग आपका रखेंगे I will be able to openly share this data with you, जहाँ पे मैं आपको starting से लेके end तक जो भी आपको data point check करना है मैं आपको दिखा सकता हूँ. So whatever I am sharing with you, it's not just theory. We have very strong data जो मैं आपके साथ सबके साथ share कर सकता हूँ. Warren Buffett, who is a very big investor, has always said this wonderful word. ये लाइन से मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहता हूँ. That someone sitting in the shade today is because someone planted a tree a long time ago. So long term में आपका पोर्टफोलियो 100% बनेगा. अगर आप आपकी फैमिली के लिए कुछ लेगेसी छोड़ना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन फोकस 20 टूडे विद अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म विजन. एंड आई एम श्योर दैट मी एंड माई टीम एट मनी मैटर्स विल नॉट डिसअपॉइंट यू एंड यू विल डेफिनेटली मेक ग्रेट वेल्थ for yourself and for your next generation. Thank you. Agar aapke man mein koi sawal hai, I want to open it for any questions that you may have at this point. Kisi ke man mein kuch sawal hai, to please tell me. And agar koi hai, to aap chat bhi kar sakte. Pranav, any questions? Priya ma'am? Great, thank you. My team's numbers are mentioned below here. We will call all of you for a 1-to-1 meeting. Agar aapke man mein koi bhi aur sawal hai, ya we will clear them in our 1-to-1 sessions, jo hum agle hafte se plan karenge aapke saath, and we will do a proper 1-to-1 presentation. And let's welcome you all in your Focus 20 journey. Okay, thank you so much from everyone here at Money Matters. I would like to say goodbye and take care. Goodbye. Okay, I just got one meeting. Would like to
ऑफ वन टू वन ओके ऋषि थैंक यू सो मच. जो भी वन टू वन मीटिंग को आना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड करके टाइप करे ऋषि आई विल कीप अ वन टू वन मीटिंग विद यू a zoom call or a one to one meeting in the office someone from the okay pranav okay my team is making a note of this monday se we will schedule these meetings thank you so much for your interest in focus point thank you all right goodbye